जय हिंद बच्चों, हम लोग बता चुके थे आपसे कि हम टॉप 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द ऐप पे आएँ और ऐप पे आपको सारे चैप्टर का टॉप 50 वाला क्वेश्चन वाला वीडियोज आपको मिल जाएगा। तो टॉप 50 क्वेश्चन में से हम कुछ क्वेश्चन हमारे हाथ में है। देखो ये पूरा फोटो कॉपी है, केवल क्वेश्चन का हम एक सीरीज बनाए हैं, खुद अपने हाथों से इसको हम बनाए हैं। देख बहुत सारा रिसर्च वर्सर्च करके, मतलब काफ़ी टाइम देने के बाद इन सब क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले एनसीईआरटी का ही है एक दो क्वेश्चन, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन हमारा टॉपिक चल रहा था, तो डिफरेंशिएशन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो टॉप 50 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टॉप 50 चल रहा है, टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है y इज इक्वल टू है sec, थोड़ा और पतला कर लें, sec और ब्रैकेट में है tan और रूट में x, है ना यार। तो अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, तो जो भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल से करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन देखो इसका क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो sec x इंटू में tan x होता है। तो sec जो भी रहे पहले आपको लिख लेना है एंगल, तो sec tan रूट एक्स मल्टीप्लाई फिर tan sec एक्स इंटू tan एक्स होता है, तो sec यहाँ पे हो गया एंगल पूरा आ गया, फिर tan फिर क्या लिखे एंगल में tan रूट एक्स होगा ना। अब सुनो यहाँ पे अभी हम लोग केवल sec का किए हैं, इस sec का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अब आगे हम लोग tan का करते हैं। तो tan का हमको मालूम है sec स्क्वायर x, तो दूसरे कलर से लिख रहे हैं tan का कर दिए sec स्क्वायर और x की जगह पे क्या लिखे तो रूट x है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग रूट x लिखेंगे, तो sec स्क्वायर रूट x है ना यार, ये हो गया। इसके बाद से देखो पहले sec को निपटा दिए फिर tan को निपटा दिए और हमारे पास अब बच क्या गया है रूट x। तो एक चीज आपको सिखाता हूँ, रूट x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग फार्मूले के तौर पे याद रखना, y इक्वल टू अगर रूट में x है इसका मीनिंग है x टू दी पावर 1/2 है, x टू दी पावर कितना है 1/2 है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें dy बाय डी एक्स इसका कैलकुलेट करें, तो हमको मालूम है पावर पहले आके मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हो गया फिर उस पावर में कितना कम हो जाता है 1 कम हो जाता है, तो 1/2 माइनस का 1, यहाँ सिंपल दिख रहा है आधा में आधा है और उसमें से एक माइनस किया जा रहा है, तो कितना बचेगा आधा ही तो बचेगा, तो x की पावर माइनस 1/2, अरे यार 1/2 माइनस 1 कितना बचेगा माइनस का 1/2, यानी यहाँ से आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x के पावर माइनस का 1/2 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, तो जब नीचे लाओगे ना यार तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 हो गया और यहाँ पे 2 और इसको क्या लिख दे रूट x, तो 1/2 रूट x। तो यार तुम लोग याद रखना इस चीज़ को, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है देख लो रूट x का 1/2 रूट x होता है ना, जो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसको फार्मूले के तौर पे आपको याद रखना है, देख भी लो कैसे आता है, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं, फिर यहाँ पे हमको मालूम चल गया sec का कर चुके थे पूरा sec और tan आ गया, फिर tan का किया तो sec स्क्वायर आ गया, रूट का करेंगे तो 1/2 कितना लिखेंगे 2√x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना यार, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारा टॉप 50 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, पेज ऐड कर रहे हैं, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा वाई इक्वल टू है 2 और अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। देखना अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई डी एक्स अभी हम बताए थे रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, तो 2 तो पहले ही से था तो इसको हम छोड़ देंगे, ये 2 कांस्टेंट हमारा 2 इंटू ये रूट लगा है ना, तो जो भी रूट के अंदर रहे वो अब 1/2 और रूट में जो है वो लिख लो यार, सिंपल ये फंडा आप लोग याद रखना, फिर मल्टीप्लाई। अभी हम लोग किसका अभी इंटीग्रेशन किए हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन किए हैं, तो अभी रूट का किए हैं, ठीक इस रूट वाले का अभी डिफरेंशिएशन हुआ है,
और फिर हम किसका करेंगे, कॉट का। तो कॉट का दूसरे व्हाइट वाले से लिख रहे हैं, देख ना। तो कॉट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो एंगल है वो लिख देंगे। अब सुनो, फिर कौन बच गया हमारा, और यहाँ पे हमारा बच गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा यार, टू एक्स होगा। ये समझ में आया? अगर आप लोग ढंग से देखो तो टू से टू डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या ऊपर, माइनस का टू एक्स इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर बना डी वाई बाई डी एक्स का। कुछ समझ में आया? तो क्वेश्चन सेकेंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रूट में x। अब ये क्वेश्चन देख के आइडिया मत लगाओ कि हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जस्ट शुरुआत के आपको 15 क्वेश्चन तक अच्छे क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन। फिर हम क्या किए हैं, 15 से लेके 30 तक मीडियम लेवल का है, 30 या 35 बोल सकते हो। फिर 35 से 15 तक आपका एकदम हायर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना यार। तो जस्ट अभी स्टार्ट है, तो स्टार्ट में भी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन में भी ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स, रूट को एकदम याद रख लो यार, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 √x, ठीक ना। तो ई के पावर रूट एक्स है तो ई के पावर रूट एक्स, क्योंकि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है। फिर अगर रूट एक्स का किया जाए, अभी तो ई के पावर एक्स का हुआ है, तो 1/2 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स होगा, ठीक है। तो आंसर सिंपल हो गया, कुछ इसमें करना ही नहीं था। e के पावर रूट एक्स अपान में 2 √x, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हो गया। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो धीरे धीरे लेवल हमारा बढ़ता ही जाएगा। 1 + x^4 है मल्टीप्लाई 1 + x^1/2 है मल्टीप्लाई है, फिर 1 − x^4 है। तो देखो यार, एक किस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आप लोग बचपन में या सेवन्थ एंथ में आप लोग पढ़े होंगे a² − b²। तो a + b × क्या होता है, a − b, इस फंडे का यूज है यहाँ पे। तो देखो कैसे यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो सुनो, यहाँ पे ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट कुछ एक जैसा दिख रहा है, बस डिफरेंस किस चीज का है, प्लस और माइनस का। तो 1 + x^1/4 1 + x^1/4 × 1 − x^1/4, एक पास लिख लिया, इसको किनारे रखते हैं, 1 + x^1/2। देखो जो भी क्वेश्चन है सब जुगाड़ से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया a + b और यहाँ a − b। तो a की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर बनेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी की जगह कितना है, x^1/4 है, तो x^1/4 का स्क्वायर करेंगे। तो x^1/4 का होल स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टोटल का होल स्क्वायर है पहला ब्रैकेट, फिर दूसरा क्या बचा, 1 + x^1/2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सुनो, चूंकि ये पावर ऐसे कुछ है, 1/4 × 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो पावर में कितना बचेगा, 1/2, यानी यहाँ पे बचने वाला कितना है, 1/2 है ना यार। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 1 − x^2/4 या डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2। तो हम एक स्टेप अपना बचा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/2। फिर देखो यहाँ बचा 1 + x^1/2, अरे है ना, फिर ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी पहले वाले नंबर का स्क्वायर और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। चलो तो यहां पे जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 − x^1 − फिर इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 और इसका होल स्क्वायर, अरे होगा ना। तो फिर ए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, और इस चीज को मैं इधर लिख रहा हूं, तो यानी y इक्वल टू, अभी हम लोग डिफरेंशिएट नहीं किया, जस्ट इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू आएगा 1 − x^1। देखो कैसे 1, ए 2 और ए 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आप लोगों को दिख रहा है, बड़े हो गए यार 12th में हो, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करो तो dy/dx, 1 का क्या होगा 0, इस 1 का क्या होगा 0, और x^1 का क्या होता है 1 होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा, dy/dx = −1। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है।